रैबिट को, ये बड़ा प्यारा लगता है। हाय गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो मैं अपना डेंगू का आपके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँगी। कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट कुछ प्रिकॉशंस और कुछ बातें आपको ज़रूर बताऊँगी जो मेरे साथ हुई। और आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा मैं लिपस्टिक लगा के आई हूँ, तो मैं आज जो है वो फ्रेशन अप हुई थी और फिर मैंने लिपस्टिक लगाई और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ अपने डेंगू का एक्सपीरियंस। तो आप पीछे देख रहे होंगे रैबिट को, ये बड़ा प्यारा लगता है। मेरा मामा जो है, मामा को डेकोरेशंस का बहुत शौक है। किसी दिन जो है ना वो आपको डेकोरेशंस भी दिखाएंगे। मामा को मामा ने सोचा हुआ है कि आपसे शेयर करेंगे कि मामा ने बहुत सारी डेकोरेशंस रखी हुई हैं, कौन कौन सी रखी हुई हैं, कहाँ कहाँ से ली हैं, वो मामा आपको बताएंगी। तो डेंगू एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। तो हुआ ये था कि मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो थकावट के साथ ना बहुत देर हो गई है, मुझे फ़ीवर कभी नहीं हुआ। तो मैं बड़ी खुश होती थी कि खुदा का शुक्र है कि मुझे फ़ीवर नहीं होता। तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, उठा जा नहीं रहा था मेरे से। तो दो दिन तो मैं ऐसे ही रही, तो मामा ने कहा कि फ़ीवर भी हो रहा है। तो मेरे से ना थर्ड डे मेरे से बिल्कुल ही नहीं उठा जा रहा था, तो मामा ने ना फैमिली डॉक्टर हैं तो उनके पास ले गई, उनके पास लेके गई। तो जो है ना वो मुझे पाँव टांग पे, पाँव के थोड़े से ऊपर जो है वो एक मच्छर काटा हुआ था और वो रेडनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो मैंने मामा को दिखाया, मैंने कहा मामा ये भी हुआ हुआ है। तो मामा कहती चलो मैं ना लेके जाती हूँ। फिर हम फैमिली डॉक्टर के पास गए, वहाँ जब गए तो उन्होंने बताया इसको भी देख के कि डेंगू हुआ है। तो उसके बाद जो है ना तीन चार दिन फिर हम ऐसे ही, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उठा जा नहीं रहा था, फीवर में थी मैं। उन्होंने मेडिसिन भी मुझे दी, उन्होंने मुझे तीन मेडिसिन दी थी, एक तो पैनाडॉल, दूसरी एक डेंगू वाली मेडिसिन थी और एक और थी वो थी इन्फेक्शन की। तो मैं आपको बताती हूँ कि उससे हुआ क्या। हुआ ये कि ऐसे ही जो है फिर घर आ गए हम। घर आके जो है वो मेडिसिन मैंने मतलब मामा ने मुझे देना शुरू की। और मैं आपको बताना ये एक बात ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों ने लाजमी लाजमी, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है, तो जिसको भी हो उसको अनार का जूस बहुत पिलाना है। मींस के दिन में दो ग्लास तो एटलीस्ट कम से कम पीने ही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेडिसिन आई, हाँ तीन तो गोलियाँ थी और साथ में जो थी वो ये जो थी वॉमिट के लिए भी दी थी मुझे, क्योंकि उससे ये हुआ कि मुझे वॉमिट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी कुछ भी मैं इनटेक करती थी, क्योंकि अनार मामा मुझे ना वैसे भी दाने निकाल के भी दे रही थी। तो उससे ना मुझे जो है ना वो वॉमिट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी और कुछ खाया पिया मेरे से नहीं जा रहा था। पूरे मैंने ऑलमोस्ट 8 डेज मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद जूस जो है वो जूस मैं पीती ज़रूर थी 8 डेज, मगर बहुत ना ऐसे ही। मगर ये अच्छा हुआ कि मैंने मामा को कहा मामा मुझे मेडिसिन आप देते हो ना तो आप ना साथ मुझे वो देना शुरू करो लेमनेड, क्योंकि मेरे से पानी से तो बिल्कुल नहीं पिया जाता था, मतलब कि दवाई खाई जाती थी ना। तो इसलिए मैंने मामा को कहा कि मामा अपना मुझे साथ में वो दे दिया करो लेमनेड। मैं वो भी बहुत मुश्किल से मैंने ना एक दिन में एक ग्लास मैंने पीना, तो बड़ा मुश्किल ही था मेरे लिए ना, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कुछ भी खाती पीती थी ना कि जैसे ना बहुत ज़्यादा कड़वा है ऐसा लग रहा था। तो फिर मेडिसन्स लेना शुरू की, ये जो तीन मेडिसन्स थी, एक पैनाडॉल और एक डेंगू उसके ऊपर बना हुआ था वो वाली और एक और थी जो इन्फेक्शन के लिए थी।
तो फिर ये हुआ कि मुझे वॉमिट्स आ रही थी, मेरा गला ख़राब हो गया और ज़्यादा ही तबीयत मेरी उन मेडिसन से ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मामा ने ना, क्योंकि मैं मामा की जो भी मेडिसन्स मामा मतलब कि न्यू होती है ना, मैं उसको ज़रूर नेट से चेक करती हूँ कि मामा के साथ कोई रिएक्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह मामा को ना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो लीवर वगैरह पे इफ़ेक्ट तो नहीं करती। मैं ये ज़रूर चेक करती हूँ। तो मामा को ना शक हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद यहाँ पे होगी। हाँ जी, ये वाली मेडिसिन, ये और दूसरी मेडिसिन थी डेंगी वाली, ये और पैनाडॉल, तो आम आपको पता ही है पैनाडॉल, ये वाली जो सिंपल पैनाडॉल है। अच्छा, अब हुआ ये कि मैं इसका इंटेक करती रही, और ये मैंने कोई 4-5 दिन मेडिसिन मिलने के बाद इंटेक इसका किया, और इसके बाद जो है ना वो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इस बल्कि ठीक होने के बजाय। तो उसके बाद क्या हुआ, फीवर वगैरह भी वैसे ही रहा, और जो है ना मैं जिस्म भी मेरा इतना दर्द होता था कि मेरा सर ऐसे था जैसे किसी ने ना अंदर से यूं ऐसे 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 ईंटें रखी हों और या घुमाई जा रहा है ऐसे ऐसे करके ना। तो मैं मामा को कहती थी, मामा रात को पूरी रात मैं हाय 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 करती रहती थी। हालांकि मेडिसन्स आ गई, मामा ने सोचा कि मेडिसन्स भी आ गई तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो ना फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना ने मुझे कहा कि तुम मेरी मेडिसन्स भी चेक कर लेती हो, तो ये वाली जो मेडिसन है ना ये वाली चेक करके बताओ, क्योंकि दूसरे पे तो वो डेंगी बना हुआ था, इतना नहीं था। पैनाडोल ऐसे वो तो खाते ही हैं फीवर में। तो फिर उसके बाद ना मैंने जब चेक, पहले तो मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, एक दिन मैंने चेक नहीं किया, फिर दूसरे दिन जो है ना वो मैंने बड़ी हिम्मत करके चेक किया तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। फिर मैंने मामा को सेंड कर दिया, मैंने कहा आप खुद ही पढ़ लो इसके ऊपर क्या लिखा है। तो जितनी मुझे चीज़ें हो रही थी ना, जितनी चीज़ें, मेरा गला ख़राब, सर दर्द और सर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे, वो सारा कुछ जो था ना वो इस मेडिसिन के अंदर था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इन्फेक्शन ठीक करेगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स सारे ही होंगे, और इन्फेक्शन जो पहले से है वो ठीक करेगा और बाकी दूध कोई और इन्फेक्शन भी कर देगा, ठीक है, ये हो रहा था। फिर उसके बाद जो है ना मतलब मैं थोड़ा सा जो है वो जूस वगैरह, मतलब मामा ने ये छुड़वा दी मेडिसिन, डेंगी वाली भी छुड़वा दी जो डेंगी बना हुआ है, और दूसरी ये वाली भी छुड़वा दी। सिर्फ पैनाडोल दो दे रही थी कितने 4-5 आवर्स के बाद ना, तो उससे मैं बेटर हुई। लेकिन हुआ ये कि एक दिन ना मामा ने मुझे कहा कि वॉमिट्स बहुत ज़्यादा, मैं वॉमिट्स बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मामा ने मुझे कहा कि तुम ना वॉमिट्स बहुत ज़्यादा कर रही हो, तो स्मेल वगैरह आना शुरू हो गई, मुझे खुद भी अपने से बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मामा ने कहा कि जाओ जाके ना वो करो मतलब कि टीथ ब्रश कर लो। तो मैं ना टीथ ब्रश करते हुए फेंट हो गई थी। हुआ ये था कि मैं टीथ ब्रश कर रही थी, टीथ ब्रश कर लिया था, बस मैंने जो है वो कुल्ली करनी थी, तो एकदम से सर मेरा इतना चकराया कि मैंने ना चीख मारी जितनी मार सकती थी तबीयत खराब में। तो फिर जो है ना वो मामा और बाजी ने आके मुझे जो है पकड़ा, तो उसके बाद मामा ने मुझे गले लगाया क्योंकि सर घूम रहा था, पहली दफ़ा ऐसा कोई सीन मेरे साथ हुआ था। तो फिर ना मामा वगैरह मुझे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मुझे ट्रिप्स वगैरह लगी, मतलब एक ट्रिप लगी थी। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि इतना मेरे साथ अजीब एक सिनेरियो हुआ कि वो कहते हैं कि आप एडमिट करवा दें, ठीक है, और जो है वो रूम में एडमिट करवा दें, और 30,000 उसका रेंट था, और मामा ने कहा कि 30,000 रेंट मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा भी इतनी कोई बात नहीं थी कि मतलब कि रूम में रखना पड़े। मामा ने कहा वार्ड में आप उसको रखें, वार्ड का पता किया तो वो 9,000। मामा कहती ठीक है, वो ठीक है उसमें मैं करवा दूंगी, लेकिन आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे, तीन तीन सिर्फ बेड्स वहाँ पे
सिर्फ 3 बेड्स और वो वार्ड थी। वार्ड तो बड़ी होती है और उसमें सिर्फ 3 बेड्स और वो वार्ड थी। और कहते हैं कि जी इसमें आप जो है ना वो शिफ्ट करवा लें, लेकिन उसमें भी जगह नहीं थी। मामा जब देख के आई तो उसमें भी जगह नहीं थी। फिर उसके बाद खैर डेंगू का हुआ था, मेरा टेस्ट हुआ था कि कितने प्लेटलेट्स हैं आप चेक करने के लिए। तो जब चेक किए तो मेरे गिरे हुए थे। मींस पहले जब करवाया था कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद शायद करवाया था। ये बात है कोई 26 को मेरी तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद 28 को जो है वो टेस्ट करवाया, और उसके अंदर 112 मेरे प्लेटलेट्स आए थे। लेकिन उसके बाद जो करवाया था ना, जब हम हॉस्पिटल गए तो तब मेरे 80 या 82 ऐसे थे प्लेटलेट्स। उसके बाद जो है 14 डेज चेक नहीं करवाया, परसों चेक करवाया था जो कि मैंने ब्लॉग में भी आपको बताया। तो खुदा का शुक्र है कि अब 269 है, और आपको मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि नाउ आई एम बेटर। बेटर नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ ये होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गई थी आज, तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गई थी, और फिर मैं चली फिरी तो तबीयत मेरी डाउन डाउन सी थी, टांगों में दर्द थी। अदरवाइज़ कल मैं जो हूँ वो आपको बताया था कल के व्लॉग में मैंने, कि मैं टेस्ट करवाने कल गई थी तो तब भी जो था ना आंखें बोझल बोझल सी हो रही थी। तो यही सीन था। बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ, चल फिर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। अब दर्द कहीं भी नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा ज़्यादा चल लूँ, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ूँ तो तब दर्द होती है। तो आप लोगों को लिए सिर्फ कुछ बातें कि जिनको भी डेंगू वगैरह हो वो मतलब कि अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए टेस्ट करवाने से भी पहले, क्योंकि इसके सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है, तो आप 4 घंटे के बाद जो है ना वो दो दो पैनाडोल दें, ठीक है। और साथ में जो है वो अनार का जूस जो है वो दें। दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है वो अनार का जूस ज़रूर पीना चाहिए। तो वो ही इनटेक करवाएं या करें तो आप लोग बेटर हो जाएंगे। कोई और मेडिसिन ना बिल्कुल भी खाएं। सिर्फ जो है अगर आपने और कुछ अगर पीना है तो आप जो ग्रीन एप्पल का जूस है वो इनटेक कर सकते हैं। बस यही घर में आप करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और 6 डेज़ के बाद प्लेटलेट्स खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं होती। बट हाँ, वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है इसमें, वो नहीं छोड़ सकते। अगर खाने पीने का नहीं भी दिल कर रहा, क्योंकि मैंने नहीं खाया था इतने दिन, तो खाने पीने का नहीं भी दिल कर रहा तो वो ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन जूसेस ग्रीन एप्पल का जूस और जो अनार का जूस है वो ज़रूर पिलाएं। दिन में 2 ग्लास तो लाजमी जो है, मग मग वाले जो ग्लास होते हैं वो उसका इंटेक ज़रूर करवाएं। और 4 4 घंटे के बाद 2 पैनाडोल की गोलियां खिलाएं। बस यही इलाज है इसका, बाकी और कोई मेडिसिन वगैरह इलाज नहीं है। क्योंकि मेरी तो तबीयत इस मेडिसिन से ख़राब हो गई थी। मुझे पता चला बाद में कि ये वैसे भी खिलाते हैं बच्चों को भी, और वैसे भी तबीयत ख़राब हो तो, लेकिन डेंगू पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल माफिक नहीं है। तो इसी के साथ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि जो है वो आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो है हमारी नोटिफिकेशंस आपको आ जाए जब हमारी वीडियो कोई भी आए। तो थैंक यू गाइस, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे।